निकाय किरण में विकल्प बनकर आई आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से चुनावी रण में आ चुकी है। आम आदमी पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 26 में पूजा कश्यप से बात की गई। पूछा गया कि वो किन मुद्दों को लेकर अपने वार्ड में चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी क्या नगरीय निकाय चुनाव जीत पाएगी। नमस्कार, तो आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ है उपस्थित पूजा कश्यप, आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हैं, जो कि नगर निगम चुनाव में पार्षद के रूप में प्रत्याशी हैं और अपने वार्ड में लोगों के साथ मिल रही हैं, प्रचार कर रही हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या आप आम आदमी पार्टी की ओर से वार्ड को देंगे और आपको क्या लगता है कि क्या कमियां थीं और अब आप क्या सुधार कर पाएंगे। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा कश्यप। मैं पिछले 3-4 दिनों से वार्ड में लगातार जा रही हूँ, लोगों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर रही हूँ और यहाँ पर हम लोग वचन पत्र भी जो हैं, जो हम करने वाले हैं जीतने के बाद, वो वचन पत्र भी मैं बांट रही हूँ। वार्ड में जाकर मैंने जब लोगों से बात की तो वहाँ जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो है सड़क की समस्या। गलियों में बहुत ज़्यादा जो है अव्यवस्थाएँ हैं, सड़कें नहीं हैं, वहाँ पर कचरे की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। गली गली में कूड़े जो हैं वो गली के मुंह पर ढेर लगे हुए मिलते हैं, तो उनको उठाने वाला, उनको रोज़ सफाई करने वाला, इवन रहवासियों ने मुझे ये भी बताया कि नगर निगम का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, मतलब कोई भी जो है झाड़ू वाड़ू वहाँ पे लगाने नहीं आता है, ये सब लोग वो लोग व्यवस्थाएँ जो हैं वो खुद ही करते हैं। तो हमारा यही है, वार्ड से अगर हम जीतते हैं तो हम सफाई की व्यवस्था जो है सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद जो रहेगा कि गलियां बनवाना, गलियां दुरुस्त करवाना। हमने यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए भी एक वचन दिया है, वो करेंगे। और यातायात व्यवस्था में हमने ऑटो स्टैंड को सुव्यवस्थित करने का के बारे में विचार किया है। जैसे कि पहले भी हमने एक बार आपसे हमारी मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने आपसे एक विषय पर चर्चा हुई थी कि वहाँ पर शराब की एक जो दुकान है, जिस पर भी आपने बात की थी और आप लंबे समय पे वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अभी तक आप कितने लोगों से मिले और किन मुद्दों पर, और आपको अगर वो लोग वोट दें तो क्यों दें, एक सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है। देखिए, जो पिछली पार्टी है उसकी व्यवस्थाएं तो जग जाहिर हैं, सभी लोग देखे हुए हैं। सभी लोगों से मेरे वार्ड में, मैंने पूरा ही वार्ड विज़िट किया हुआ है, हमेशा जाती रहती हूँ, लोगों से मिलती रहती हूँ, उनकी समस्याएं सुनती हूँ। मुझे सबसे बड़ी समस्याएं, मैंने इसके पहले आपको बताई है, वो सारी सामने आ रही हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा कि जितने भी हम वादे करते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी का यही है कि उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है, हमारा भी यही है कि हमने भी जितनी भी बातें वचन पत्र में लिखी हैं वो सभी बातें जो हैं हम पूरी करेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी महापौर के लिए भोपाल में कितने पार्षदों को चुन पाएगी, कितने कैंडिडेट आपके आ पाएंगे? हम सभी सीटों पर, यहाँ पे 85 वार्ड हैं यहाँ भोपाल में, पूरे 85 वार्ड में आम आदमी पार्टी जो है पूरे दमखम के साथ उतर रही है और पूरी जान लगा रही है अपनी कि हम पूरे के पूरे वार्ड जो हैं वो जीतें। यहाँ पे भाजपा का बड़ा राज रहा है, भोपाल एक ऐसा जिला है जहाँ पर ज़्यादातर भाजपा की सीटें नहीं हैं, या सांसद की कहो या विधायक की कहो, तो ऐसे माहौल में आपकी पार्टी का जीतना कैसे पॉसिबल कर पाएंगे आप? केवल योजनाओं के माध्यम से, मुद्दों के माध्यम से, या भाजपा पर केवल आरोप लगाकर? पिछले 10 सालों से पार्टी यहाँ पर है भोपाल में और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी वार्डों में सक्रिय हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लोग भी उनको पसंद करते हैं, तो एक बड़ा जनाधार जो है हमें पहले से ही मिला हुआ है, तो वो जनाधार के आधार पे मैं कह सकती हूँ कि हमारे जो हैं मैक्सिमम वार्ड जो हैं वो निकलेंगे। जी, तो जैसे कि हम पहले भी मैम से मिले थे और उन्होंने बताया भी था कि वो लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, सोशल वर्क पे भी वो काम करते हैं। डॉक्टर पूजा कश्यप जी से हमने मिला और उनसे बातें की, उन्होंने जो विषय पे बताए हैं, आम आदमी पार्टी की नीति रीति पर जानकारी दी है और आम आदमी पार्टी भोपाल में अपना महापौर चुनेगी, ऐसा उन्होंने उम्मीद जताई है और उन्हें विश्वास है। धन्यवाद। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।